हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है जगजोत सिंह, आल्सो नोन एज आपका जैक्स, और ये है मेरे पिताश्री, ये है मेरे बाप और मैं हूँ उनका पाप। और आज मैं अपने पापा के साथ बात करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो बिफोर मूविंग फर्दर पापा, आई वांट टू आस्क यू कि आपको कैसा लग रहा है अपने बेटे के साथ ऐसे बैठ के, यू नो, इतना हैंडसम सा आपने लड़का पैदा किया है। अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा है, रिटायरमेंट का प्लान अभी से कर रहा है। अच्छा, पिज्जा खाने के लिए पहले से पहले जमा कर ले, बाद में रिटायरमेंट का सोचना। पापा, हम यहाँ पर रोस्टिंग सेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे रोस्ट करने की कोशिश मत कीजिए। okay. मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उसका आंसर दीजिए। ओके, ठीक है। सो पापा, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू डू विद द मनी यू सेव। जब आप पैसे कमाते हैं तो आप उसको सेव क्यों करते हैं, आप क्या करेंगे उस मनी का सेव करके? सेव करके आगे फ्यूचर में रिटायरमेंट प्लान होगा, रिटायरमेंट में काम आएंगे आगे। जैसे उम्र बढ़ती है, थोड़ी जैसे बढ़ती जाती है उम्र, पैसे की जरूरत पड़ती है आगे जाके, मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाते हैं, बहुत सारे अपने एक्सपेंसेस हैं, और प्लस थोड़ा अपने लिए जीना, अपने शौक पूरे करने, जैसे दारू पीना। नहीं, दारू नहीं पीना, अपने शौक पूरे करना, लाइफ में कुछ अच्छे काम करना। पापा, हाउ मच डू यू नो अबाउट इन्वेस्टिंग? आई नो लॉट ऑफ थिंग्स इन इन्वेस्टिंग, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स, अलग अलग वेरिएंट्स। मैं इस पर एक जोक मार सकता हूँ? नहीं। हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट वी कैन गेट इन रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कितना हमें मिल सकता है? आप किस में इन्वेस्ट करते हो डिपेंड वो होता है, देयर आर डिफरेंट वेरिएंट्स। यू कैन गेट इन्वेस्टमेंट रिटर्न फ्रॉम 5% टू 20-25% ऑल्सो, बट लालच में नहीं करना है इन्वेस्टमेंट कभी भी, एक पर्टिकुलर इसमें करना, प्रोपोर्शन में करना। अभी देखिए, इंडियन घर में तो ऐसे ही होता है कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात तो कर रहे हो, लेकिन हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी ज़रूर मिली जाती है कि तुम लालच मत करो, ऑनेस्टी से करो, ये सब चीज़ें करो। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप कितना इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट इफ यू हैड अ चांस? फॉर एग्जाम्पल, आई गिव मेरे पास अगर 5 लाख रुपया, तो मैं 2 ही लाख इन्वेस्ट करूँगा पहले, ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करूँगा। क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन जो चल रही है आज की ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू हैव टू सी दैट ऑल्सो, देन ओनली यू हैव टू इन्वेस्ट। बिकॉज अगर आप इन्वेस्टमेंट लालच में करने जाते हो, कई बार पैसे रिवर्स हो जाते हैं, डूब जाते हैं। बाकी 3 लाख क्या मुझे पार्टी करने के लिए दे दोगे? 3 लाख पार्टी करने के लिए दे दूंगा, पहले थोड़ा इन्वेस्ट करें, कमा के। यार पापा, आप तो मतलब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, आप तो मतलब मेरे को बस बोलते जा रहे इन्वेस्ट कर, इन्वेस्ट कर, इन्वेस्ट कर। अच्छी बात है। हाँ, इन्वेस्ट कर, अच्छी बात है, तेरे फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ, तेरे को काम आएगा आगे, तुझे आगे प्लानिंग करनी है, तुझे बड़े बड़े काम करने आगे, बहुत आगे, बीवी बच्चे, फ्यूचर है तेरा, प्लान है, तू शादी करेगा, बच्चे होंगे। वैसे मेरे बच्चे होंगे तो उसका आप नाम क्या रखना पसंद करोगे? वो तो यार तेरी बीवी रखेगी, मुझे क्या बताएगी। मैं तो अपने बच्चे का नाम अकूडो रखना पसंद करूँगा, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ना वो अकूडो, इसलिए। जैसे मैं और मेरे पापा भी बात कर रहे थे कि मेरे बच्चे का नाम अकूडो रखेंगे हम, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है मैं आपको बता देता हूँ। अकूडो एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है टीन्स के लिए। जैसे पेरेंट्स जो होते हैं आपको डायरेक्टली पॉकेट मनी देते हैं ना, वैसे ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कार्ड में। सोच रहे हो, ये चीज़ हो सकती है, एंड दीज आर फॉर द टीन्स। अभी मेरे टाइम पे तो नहीं था, लेकिन अब जिन बच्चों के टाइम पे है अभी अकूडो, उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसके साथ पापा, आपको पता है कि आपको खुद का वीज़ा डेबिट कार्ड मिलता है, मतलब 12 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनके पास खुद का डेबिट कार्ड होगा। दैट्स कूल, मतलब जहाँ पर भी जाओ ऐसे लो कार्ड करो और सीधा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अच्छा, वैसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा पापा, ऐसे ही मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है, कि वैसे दिख कैसा रहा हूँ आज? मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? अबे चुप, ठीक लग रहा है यार। अच्छा, आपसे बेटर नहीं लग रहा? मेरे से बेटर नहीं, आपसे बेटर बन भी नहीं सकता ना पापा। तो जैसे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न आते हैं, तो जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको जो रिटर्न आएंगे, तो आप वो पैसा कहाँ पर खर्च करोगे? दारू पीने में? नहीं नहीं, क्यों दारू पीने में, अपने बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें। यू हेल्पिंग समबडी, द नीडी यू हेल्प, द थिंग्स व्हाट यू आर थिंकिंग, कुछ अच्छा बनाना है, घर बनाना है, अच्छी गाड़ी लोगे, अपने लिए करोगे, दूसरों के लिए करोगे साथ में। क्या बात है। डू यू थिंक इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लान? इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म प्लान। जैसे पंजाबी में कहावत है, अच्छा दसो, पहले साल हट्टी, अच्छा दूसरे साल वट्टी, तीसरे साल खट्टी। अच्छा, इन्वेस्ट करते हो, मेहनत करते हो, सेट करते हो, दूसरे साल उसका रिजल्ट आने शुरू होते हैं। अच्छा, तीसरे साल प्रॉफिट होते हैं। वापस बोलो पंजाबी दी शायरी। पहले साल
हट्टी, तीजे साल वट्टी, तीजे साल खट्टी। और अस्सी पंजाबी जिन्हों देख के हंसे ओ है जसपाल बट्टी। क्या बात है, पंजाबी पीपल विल गेट द रेफरेंस। गाइस इफ यू लाइक दिस देन प्लीज कीप फॉलोइंग अकूडोस यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू पापा फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस वीडियो, आई एम रियली थैंकफुल। ठीक है पापा, अब आपको 1,500 रुपए की वो भेज दूंगा मैं आपके अकाउंट में। देख लो रिश्वत दे रहा है मेरा बेटा देखो। रिश्वत मत करो, मैं रिश्वत नहीं पापा आपको पैसे दे रहा हूँ ताकि आप इन्वेस्टमेंट कर सको। अच्छा मैं इन्वेस्टमेंट ओके सुनता हूँ, लाओ हम तो तैयार बैठे हैं। ओके गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।